डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर विवादित बयान देने के बाद से लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं और अब दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर बीजेपी से सवाल किया है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को भी पाकिस्तान भेजोगे और उनकी भी एनआईए जांच कराओगे। दिग्विजय सिंह ने करीब 6 साल पुरानी एक खबर को ट्वीट किया है। इस खबर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान तो हमारे भाई जैसा है, सरकार को उसके साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। और अब इसी खबर को ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस बयान वाली खबर को अखबार को जो क्लिपिंग है उसको ट्वीट करते हुए लिखा है, संघ नेता ने भारत पाकिस्तान रिश्तों को बताया कौरव पांडवों जैसा। आरएसएस ने कहा पाकिस्तान तो हमारा भाई, सरकार मजबूत करे उससे रिश्ते। क्या मोहन भागवत को भी पाकिस्तान भेजोगे, उनकी भी एनआईए की जांच कराओगे, हम दोनों की जांच एनआईए से करवा लो। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह की एनआईए से जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा था और पत्र में एनआईए जांच की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह के फोन की भी जांच होनी चाहिए। और अब इसी पूरे प्रकरण पर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। इसमें दिग्विजय सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए इंसानियत को ताक पर रख दिया गया, सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर इस फैसले को पलट देंगे। और इसी जो ये जो चैट वायरल हुआ है, जो लीक हुआ है, इसी के बाद से लगातार दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।